बुधवार को ब्रिटेन प्रशासन ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इस क्षेत्र में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा को शुरू करने का हम स्वागत करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड ने न्यूज चैनलों को यह बात कही और कहा कि 4G सेवा स्थानीय निवासियों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तान ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा की बहाली के संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग के ट्वीट में जम्मू कश्मीर के बारे में निराशा व्यक्त की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 4G सेवा 5 फरवरी 2021 को शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा 18 महीनों के बाद शुरू की गई है। अगला अपडेट अर्जुन MK1 को लेकर है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अर्जुन MK1 टैंक को देश को समर्पित करेंगे। एक उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना में 118 अर्जुन MK1 टैंक को शामिल करने की मंजूरी दी थी, जिसकी कीमत 8,400 करोड़ रुपए है। यह टैंक भारतीय सेना की मारक क्षमता को और मजबूती देगा। DRDO के अधिकारी ने ANI को बताया कि प्रधानमंत्री 14 फरवरी को चेन्नई के अवधि में टैंक उत्पादन सुविधा में अर्जुन टैंक के नए संस्करण अर्जुन MK1 को देश को समर्पित करेंगे। ये नए अर्जुन टैंक 124 टैंकों के पहले बेड़े में शामिल होंगे। अर्जुन को DRDO के कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा डिजाइन किया गया है। DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी प्रधानमंत्री को पहला अर्जुन MK1 टैंक सौंपेंगे। अगला अपडेट पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान ने गुरुवार को सतह से सतह में मार करने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो 450 किलोमीटर तक लक्ष्य पर वार कर सकती है। पाकिस्तान ने 3 हफ्तों में यह तीसरा मिसाइल परीक्षण किया है। बाबर मिसाइल भूमि और समुद्र में लक्ष्य को हिट कर सकती है। पाकिस्तान के इंजीनियरिंग और विज्ञान आयोग के प्रमुख रजा समर ने कहा कि मिसाइल ने अपने सभी मापदंडों को पूरा किया है। इससे पहले पाकिस्तान ने सतह से सतह में मार करने वाली परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जो 290 किलोमीटर तक लक्ष्य को हिट कर सकती है। अगला अपडेट रक्षा मंत्रालय को लेकर है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चीन के किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया है। MOD का बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चीन के सामने झुकने, भारतीय क्षेत्र को खोसने और अप्रैल 2020 की यथास्थिति के लिए दबाव नहीं डालने का आरोप लगाते हुए लद्दाख सीमा के बिंदुओं पर सहमति जताते हुए दिया गया। शुक्रवार को राहुल गांधी ने मीडिया को कहा था कि भारतीय सैनिक फिंगर 3 पर तैनात होने जा रहे हैं। अब हम फिंगर 4 से फिंगर 3 पर चले गए हैं, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र को चीन के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।